हाय, वेलकम यू ऑल टू द 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम 20 MCQs करते हैं, और अभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो है CPC, और अब तक हम 260 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। फॉर द कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 261 से। अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही हो, या आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज, जजमेंट राइटिंग, पेड नोट्स के बारे में जो है नया परचेज करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 261 से। इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट अंडर 35A ऑफ CPC एब्जॉल्व अ पर्सन फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी। नहीं, उसे ऐसा नहीं है कि अगर उसने कॉस्ट पे कर दी है तो क्रिमिनल लाइबिलिटी से वो बच जाएगा, ठीक है। उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी भी फेस करनी पड़ेगी, ये तो सिविल का कॉस्ट है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डज नॉट एब्जॉर्ब द पर्सन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी दैट मे अराइज देयरफॉर, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट अंडर 35A ऑफ CPC कैन बी इम्पोज। 35A के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। देखिए, जो 35A की कॉस्ट है ये ना तो अपील पर लगती है ना ही रिवीजन पर लगती है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 363। कॉस्ट अंडर सेक्शन 35A ऑफ CPC कैन बी इम्पोज। 35A ऑफ CPC की कॉस्ट किस पर लगती है? तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सभी प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, को डिफेंडेंट सभी पर लग सकती है। 264, कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले। कॉजिंग डिले ये हमें कहाँ पर दिया गया है? 365B में, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 265, इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट अंडर सेक्शन 35B ऑफ CPC इज। जो कॉस्ट लगाई जाती है 35B में, ये किस नेचर की है? तो ये है डायरेक्टरी। डायरेक्शन दी जा रही है कि भाई तुम कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो। 266, कॉस्ट इम्पोज अंडर 35B ऑफ CPC, जो कॉस्ट है उसके लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? शेल बी इंक्लूड इन द कॉस्ट अवॉर्डेड इन द डिक्री पास्ड इन द सूट। शेल नॉट इंक्लूड इन द कॉस्ट अवॉर्डेड इन द डिक्री। शेल इफ नॉट पेड बी एग्जीक्यूटेबल अगेंस्ट द पर्सन ऑन विच द कॉस्ट हैज़ बिन इम्पोज। देखिए, जो कॉस्ट लगाई जा रही है ना, उसके अलावा है ये कॉस्ट, उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो आंसर होगा यहाँ पे B and C, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 267, सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ कॉस्ट, ये हमें कहाँ पर दिया गया है? 25 में। नेक्स्ट, 268, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट कैन बी रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर 25 फ्रॉम। किससे भरवाई जाती है ये कॉस्ट? तो ये भरवाई जाती है प्लेंटिफ से। नेक्स्ट, ऑन फेलियर फॉर फर्निशिंग सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट द सूट इज लाइबल टू बी। अगर सिक्योरिटी फर्निश नहीं करी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि सूट जो है वो डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 270, अ सूट डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 25 फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ कॉस्ट कैन नॉट बी रिस्टोर, कैन बी रिस्टोर बाय द सेम कोर्ट। अगर सिक्योरिटी फर्निश कर दी तो रिस्टोर हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 271, प्रोविजन रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री आर कंटेंड इन, सभी को पता है 21 में, ठीक है। 271 का ए, मनी अंडर डिक्री कैन बी पेड। मनी डिक्री अगर है तो मनी कहाँ पर पे किया जाएगा? इधर इन द कोर्ट और आउटसाइड द कोर्ट। नेक्स्ट, 273, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री इज टू बी मेड। एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन आप कहाँ पर मूव करोगे? जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है, क्योंकि वही कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करेगी। 274, एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ना तो मॉडिफाई कर सकती है ना वेरी कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का काम है सिर्फ एग्जीक्यूट करना। 275, अ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन की अगर कोई डिक्री है तो वो कैन नॉट बी ट्रांसफ़र, कैन बी ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र हो सकती है अगर वो डिक्री उस कोर्ट में एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है किसी भी रीज़न की वजह से, तो दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। 276, ट्रांसफ़र ऑफ अ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट हैज़ बिन डल्ट अंडर। ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री हमें कहाँ पर दिया गया है? तो ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 39 में। नेक्स्ट, 277, अ डिक्री कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट।
दूसरी कोर्ट में अगर भेजी जाएगी, कब भेजी जाएगी, ठीक है। इफ़ द जजमेंट डेटर एक्चुअली एंड वॉलंटारली रिजाइड्स और कैन ऑन बिजनेस वर्क फॉर गेन विद इन द लोकल लिमिट ऑफ अदर कोर्ट, बिल्कुल सही। इफ़ द जी डी डज नॉट हैव सफिशेंट प्रॉपर्टी टू सेटिस्फाई द डिग्री विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट, बिल्कुल सही। इफ द डिग्री डायरेक्ट सेल और डिलीवरी ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी सिटुएट आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, बिल्कुल सही। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 278, द लॉ डज नॉट रिक्वायर इशुएंस ऑफ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। तो यहाँ ये नोटिस की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन के लिए जो जाती है उस नोटिस की। ऑप्शन देख लेते हैं, तो जजमेंट डेटर वेयर द एग्जीक्यूशन इज अप्लाइड, अगर एग्जीक्यूशन 2 साल में होती है, विद इन 2 ईयर्स होती है, तो नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 279, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस नोटिस ऑफ द एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन हैज़ टू बी इशू टू द जेडी, कब इशू किया जाता है, ठीक है। वेयर द एग्जीक्यूशन इज अप्लाइड बियॉन्ड 2 ईयर्स किया जाएगा, वेयर द एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन इज मेड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जजमेंट डेटर इवन विद इन 2 ईयर्स, ये भी किया जाएगा। वेयर द एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड बाई असाइनी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिग्री होल्डर इफ मेड विद इन 2 ईयर, अगर असाइनी कर रहा है तो भी होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280, प्रोविजन फॉर सेक्शन 39R, जो ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री के प्रोविजन्स हैं वो किस नेचर के हैं। तो ये है परमिसिव, नॉट मैंडेटरी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।